अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर मैंने दिया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में, 5 प्रॉपर्टीज़ मैंने उसमें डिस्कस की थी। आज नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिटरमिनेंट्स की, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद एग्जाम्पल्स। तो ये इस सिलसिले का तीसरा लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी, इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स की जो है किसी एक पूरी रो की एंट्रीज में दो दो टर्म हो, या पूरे एक कॉलम्स में जितनी एंट्रीज आती हैं उनमें दो दो टर्म्स हों, देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो उस अकेले डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये एक मैट्रिक्स, तो कोई मैट्रिक्स था इस शक्ल में दिया हुआ, मैंने उसका डिटर्मिनेंट लिख लिया, ठीक है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ था इस शक्ल में, मैंने उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम, किसी में भी हो सकता है, किसी एक रो पहली में भी हो सकता है, दूसरी में भी हो सकता है, तीसरी में, या पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, या तीसरे कॉलम में, किसी भी पूरे एक कॉलम की एंट्रीज में दो दो टर्म हो, या एक रो की सारी एंट्रीज में दो दो टर्म हो, तो वो अकेला डिटर्मिनेंट जो है वो सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो कैसे, ये देख लें, 2, 5, 7, ये सेकेंड रो है, इसमें दो दो टर्म है और ये एक एक टर्म है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2, 5, 7 एज इट इज, पहला पहला नंबर एज इट इज इसमें, और 0, 2, 1 एज इट इज, प्लस का साइन, फिर फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में जो सेकेंड एंट्रीज थी वो यहां लिख दी, -5, +4, -1 यहां लिख दी, और ये थर्ड रो एज लिख देंगे। तो इस अकेले का डिटर्मिनेंट अगर लिया जाएगा, उसका आंसर इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को एवेल्यूएट करके जो सम होगा उसके इक्वल होगा। ये सिक्स प्रॉपर्टी कह रही थी जी। ये मैंने रो में लिया, आप कॉलम में कर लें दो दो एंट्रीज किसी जगह, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये सारी प्रूव हुई चीजें आप एवेल्यूएट करके बेशक दे रहे हैं, इसको -2 लिख लें, इसको 7 लिख लें, इसको 5 लिख लें, और एक्सपैंड करें आंसर आएगा, इसको भी एक्सपैंड करें, इसको भी एक्सपैंड करें, इनका सम लेंगे वही आंसर आएगा जो इस तरफ आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एनी रो आर कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर, कहते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स की, सॉरी या डिटर्मिनेंट है, चलिए हम डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनाते हैं हम, तो अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो को या किसी कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो से नंबर से मुराद है नंबर जीरो ना हो, जीरो के अलावा जो मर्जी नंबर हो, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को जीरो के अलावा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम या दूसरी रोज में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ एनी रो आर कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर, तो कह रहा है किसी रो या किसी कॉलम, किसी एक में बात करते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम कह लें कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया है किसी कॉलम की एंट्रीज को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी और कॉलम में ऐड कर देंगे, तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है, उसको एक्सपेंड करके वही वैल्यू आएगी जो पहले वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से आएगी, एंड मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर, एंड द रिजल्ट इज एडेड, जो मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर दें टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ एन अदर रो, एक अदर दूसरी रो में ऐड कर दें या कॉलम में ऐड कर दें, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। कैसे, मैंने 2x2 का एक ले लिया मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 2, 5, 3, 1, मैं क्या करता हूं इस पूरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूं, आप बेशक सब्ट्रैक्ट भी कर लें, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जी मैंने, तो क्या बनेगा, ये जुबानी मल्टीप्लाई करना है, यहां चेंज नहीं लाना, ये काम सिर्फ जुबानी करना है आपने, यहां इसमें
इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड, रिजल्ट को इसमें ऐड कर देना है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, जुबानी मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात याद रख लेना है। तो टू थ्री, तो इसको टू से, इसको टू से, तो ये फोर बन जाएगा, ये सिक्स बन जाएगा। इसको एज इट इज लिखा तो ये क्या बन गया, फोर, और ये सिक्स बन गया। तो फोर जो है वो फाइव में ऐड हो जाएगा, फाइव प्लस फोर, ये टू से मल्टीप्लाई होके फोर बना था, ऐड हो गया, ये टू से मल्टीप्लाई होके सिक्स बना, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, ये इसको जुबानी मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या किया है, कॉलम वन को टू से मल्टीप्लाई करके सी टू में ऐड कर दिया, कॉलम टू में ऐड कर दिया, चेंज कॉलम टू में आएगा, कॉलम वन को जुबानी मल्टीप्लाई करना है आपने, ये बात याद रख लें। तो आप इधर देख लें, टू फाइव थ्री वन इज इक्वल टू टू थ्री, इसी तरह इस सारे को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैं बाहर लिख रहा हूं, ये फोर बन गया और ये सिक्स बन गया, ये फोर इसमें ऐड कर दिया, फाइव प्लस फोर, और ये सिक्स वन में ऐड कर दिया, रिजल्ट को, ये रिजल्ट आ गया मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करने से टू से ये रिजल्ट आ गया, रिजल्ट को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में ऐड कर दिया आगे, या सब्ट्रैक्ट भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन जाएगा, ये टू फाइव थ्री वन मैंने एज इट इज लिखा, ये मैंने टू से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये नंबर बनते हैं वो मैंने लिख दिए, रिजल्टिंग नंबर बन जाते हैं, वो इसमें ऐड कर दिए। अब इसको एक्सपेंड करो, एवेल्यूएट करो, तो क्या बन जाएगा, टू वन द टू, फाइव थ्री द फिफ्टीन, माइनस थर्टीन आ गया, ये टू ये नाइन बन गया, ये थ्री और ये सेवन बन गया, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन, फोर्टीन माइनस ट्वेंटी सेवन तब भी माइनस थर्टीन, फिफ्टीन में से टू निकाल दिया माइनस थर्टीन। ये जगह जगह हम काम किया करेंगे ये वाला। तो ये आपने प्रॉपर्टी याद रख लेनी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी कॉलम को किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, पुराने वाली की भी और नए वाली डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू सेम रहेगी। ये प्रॉपर्टीज ही मैंने छोटी सी एग्जांपल करके आपको बता दिया। आगे जी, इफ अ मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म, अगर एक मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। अब बात करते हैं जी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, याद रख लेना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके हम ले रहे हैं। तो अब ये जो है इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर, ये जो डायगोनल, ये जो एंट्रीज हैं इनको कहते हैं प्राइमरी डायगोनल या मेन डायगोनल की एंट्रीज। मेन डायगोनल की एंट्रीज से ऊपर नॉन जीरो नंबर होंगे, कोई एक जीरो हो सकता है, सारे जीरो नहीं हो सकते, कोई दो जीरो हो सकते हैं। तो यानी क्या कहा कि मेन डायगोनल की एंट्रीज के ऊपर नॉन जीरो नंबर होंगे, और मेन डायगोनल की एंट्री से अगर सारे नंबर नीचे जीरो होंगे तो वो मैट्रिक्स जो होगा वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है। और किस ट्रायंगुलर में, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में, कि अपर ट्रायंगुलर की फॉर्म में, मेन डायगोनल से ऊपर अगर नॉन जीरो एंट्रीज होंगी, ठीक, और नीचे सारी, मेन डायगोनल से नीचे सारी जीरो एंट्रीज होंगी, तो ऐसे मैट्रिक्स को जो है वो अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। और अगर उल्टा हो जाए, ये ऊपर हो जाए और ये नीचे, तो फिर इसको हम लोअर ट्रायंगुलर कहेंगे। यानी यहाँ पर जीरो 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 यहाँ आ जाए और यहाँ पर टू थ्री फोर इनकी जगह आ जाए, तो फिर ये होगा वो लोअर ट्रायंगुलर होगा, क्योंकि नॉन जीरो एंट्रीज मेन डायगोनल से नीचे आ जाएंगे। अब इसकी बात क्या कह रहा है, ये एक मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर है, ये मेन डायगोनल की एंट्रीज से ऊपर नॉन जीरो एंट्रीज हैं और सारी जीरो एंट्रीज जो होंगी वो मेन डायगोनल से नीचे होंगी, तो ये अपर ट्रायंगुलर। इसका डिटर्मिनेंट लिया, ये डिटर्मिनेंट है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। तो उसने क्या कहा था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, जितनी डायगोनल की एंट्रीज होंगी उन सबको मल्टीप्लाई कर दे। मेन डायगोनल की एंट्रीज कौन कौन आ रहा था, वन 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 इंटू सिक्स, तो ये सिक्स आंसर है। अब जरा हम वैसे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट था वन टू थ्री जीरो वन फोर जीरो जीरो सिक्स, हम वैसे एक्सपेंड कर लेते हैं जो आप जिस तरह आप एक्सपेंड करते हैं बाय रो वन, एक्सपेंडिंग बाय रो वन, वन बाहर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला गया, सिक्स वन जो सिक्स माइनस फोर जीरो जीरो, अगली टर्म माइनस की माइनस टू, ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, जीरो सिक्स द जीरो माइनस का साइन जीरो फोर द जीरो प्लस
थ्री बाहर, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, इसका डिटर्मिनेंट जीरो जीरो जीरो, माइनस का साइन जीरो वन जीरो। तो आप देख लें, वन सिक्स माइनस जीरो सिक्स, माइनस टू जीरो माइनस जीरो जीरो, प्लस थ्री जीरो माइनस जीरो जीरो, सिक्स वन सिक्स, माइनस टू जीरो जीरो, थ्री जीरो जीरो, तो ये सिक्स आ गया। तो उसने क्या कहा था कि अगर कोई मैट्रिक्स ट्राइंगुलर फॉर्म में हो, खा वो लोअर ट्राइंगुलर हो, खा वो अपर ट्राइंगुलर, मैंने अपर ट्राइंगुलर की एग्जांपल से किया है, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल एमसीक्यूज में अगर आ भी जाए तो आप क्या कर देंगे, अगर ट्राइंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स है तो उसकी मेन डायगनल की एंट्रीज जो है इसे प्राइमरी डायगनल कहते हैं, और ये जो है इसे कहते हैं सेकेंडरी डायगनल। प्राइमरी की बात कर रहा है, प्राइमरी डायगनल की जितनी एंट्रीज होंगी उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा, बजाय आप उसको एक्सपेंड करते रहे। तो ये प्रॉपर्टीज थी, आज प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन अब आगे आ रहे हैं वो हम अब सीक्वेंस वाइज करते जाएंगे जो बोर्ड के मुताबिक हैं। उम्मीद है ये आपको प्रॉपर्टी सारी समझ आ गई होंगी डिटर्मिनेंट्स की, और इनको इसको प्रैक्टिस करें और काम जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे करें, क्योंकि वक्त कम रहता जा रहा है। तो काम भेजें व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।